वेलकम बैक इस अनदर वीडियोज़। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं केजीएन के बारे में, क्योंकि बेसिकली आपने केजीएन के बारे में अक्सर सुना होगा। तो मैं बता दूं आपको, ये केजी नहीं है, ये केजीएन है। अगर आप केजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो क्योंकि आपने केजीएन के बारे में अक्सर सुना होगा, क्योंकि बहुत से लोग अपनी गाड़ी के प्लेट पर भी केजीएन के बारे में लिखाते हैं, और कहीं कहीं आप पैम्पलेट पर या फिर कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा। तो हो सकता है कि आपके मन में भी क्वेश्चन उठा होगा कि केजीएन क्या होता है। अगर आप केजीएन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केजीएन क्या होता है। तो चलिए, बेसिकली इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि आप केजीएन के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, तो केजीएन का मतलब बेसिकली ये जो होता है, केजीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो ख्वाजा गरीब नवाज होता है। के से मतलब ख्वाजा और जी से मतलब गरीब, इन से मतलब नवाज। तो इसका मतलब बेसिकली ख्वाजा गरीब नवाज से होता है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो अजमेर में उनकी दरगाह है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आपने केजीएन का शॉर्ट फॉर्म या इसको नहीं पता होगा। तो बेसिकली ये उन्हीं से रिलेटेड है, ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उन्हीं को ही बोला जाता था, और उन्हीं को बोला जाता है जैसे कि उनके चाहने वाले हैं जो उनको मानते हैं। तो ये बेसिकली वो अपने जगह पे शॉर्ट फॉर्म लिखवाते हैं केजीएन। तो बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि भाई ये कोई संस्था है या कोई और चीज़, तो इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब केजीएन होता है, और इसे शॉर्ट में केजीएन लिखा जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज। और जो ख्वाजा गरीब नवाज यानी मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये इस्लाम के इमाम थे, यानी कि जो सूफ़ी संप्रदाय है वो इमाम थे और एक दार्शनिक भी थे। और जैसे कि आप जानते होंगे कि जो उनकी दरगाह है वो अजमेर में है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से फेमस है। तो आई होप सो कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये केजीएन क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप देखते रहें स्टडी एंड टेक यूट्यूब चैनल। और यदि आपको और भी कुछ मीनिंग चाहिए या शॉर्ट फॉर्म, तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाई हैं, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन से चेक करके या तो फिर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको वो वीडियो बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर देना।